ये शिफ्टिंग हो रही है, कनिका का बेंच फिर इधर आ गया है, क्योंकि वो स्वाति उधर काम करती है ना, तो कहती है कनिका नहीं बैठेगी, तो कनिका का बेंच आ गया इधर। ये कपड़े अभी संभाल, जोड़ तो दिए इन्होंने, अभी ये संभालने लगे हैं। सारा दिन मैं बोलती रही संभाल लो संभाल लो, ये टैचियों में रख दो। स्वाति आई थी ना सामान लेकर वहाँ से बॉम्बे से, जो वही सारे कपड़े हैं यहाँ पे इस बेंच पे रखे हुए थे सारे ढक के, और अब रखने पड़ेंगे उसमें। ठीक है चलो, कनिका अपना टेबल सेट करेगी, वो इधर पड़ेगी कल से, और वो पड़ेगी उधर, वो काम करेगी उधर। आज 8 तारीख और ये रात का टाइम है, और रात के डिनर की तैयारी हो रही है। ये देखो मैंने क्या घोल बनाया, ये देखिए इसमें पता क्या डाला है, पके हुए चावल पड़े थे मेरे पास, एक वो लिए मैंने थोड़े, मेरे ख्याल से एक बाउल होंगे, और पके हुए चावल थे और वो मेरे पास वो लिए मैंने। इसके अलावा मैंने इसमें वो जो है इसमें थोड़ी सी 1 चम्मच के करीब वो डाली है, 1/2 चम्मच के करीब मैंने डाली है मेथी, और उसके अलावा चावल के अलावा एक चीज़ और डाली थी वो मैं भूल गई हूँ, मेरे पास थी वो। ठीक है, 3 चीज़ों को मिलाकर मिक्सर बनाया मैंने। इसमें सोया वाले जो पत्ते पड़े थे वो भी डाल दिए, वो ग्राइंड करते टाइम, और बस ये सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है चावलों को। हाँ दाल, उड़द की दाल ली है थोड़ी सी, वो भी डाली है, मतलब ये समझ लो 1 कटोरी चावल थे तो 1/2 कटोरी मैंने डाल दी है। ठीक है, तो वो भिगो के रख दी थी, तो उसको भी मैंने डाला है, तो ये और इसका मिक्सर बना दिया है। मिक्सर में मैंने सारे मसाले भी डाल दिए बनने के बाद। हाँ, इसमें मैंने मिक्स करने से पहले मैंने इसमें डाली थी 1 हरी मिर्च और 1/2 लाल मिर्च, लाल बड़ी वाली मिर्च जो होती है, ठीक है, ग्राइंड करते टाइम वो भी डाल दी थी, तो ये सारी चीज़ें डाल दी थी, और ये मिक्सर हो गया रेडी। और ये मैं मिक्सर बना क्यों रही हूँ मैं बताती हूँ, इसका ना मैं डोसा बनाने वाली हूँ, और पालक वाला डोसा बनाने वाली हूँ। तो ये पालक मेरे पास पड़ी है, वो भी अभी ऐड करनी है, तो मैं भूल गई ऐड करना, वो तो मेन चीज़ है। बाकी मैंने इसमें नमक वगैरह डाल दिया है, नमक, जीरा, अजवाइन, ये सब डाल दिया इसमें। अब ये देखिए थोड़ा सा बैटर और गाढ़ा हो जाएगा, और इसमें कंसिस्टेंसी भी आ गई इसकी, ये ग्रीन कलर का हो गया। तो आज डोसा बनेगा पालक वाला, ठीक है, क्योंकि चावल भी उबले पड़े थे। अगर आपके पास उबले चावल ना हो ना, तो आप वो कर सकते हो, चावलों को भिगो दो 3-4 घंटे के लिए, या रात भर भिगो दो, जितने चावल डालने, 1 कटोरी चावल डाल लो, 1/2 कटोरी वो डाल लो उड़द की दाल, धुली हुई दाल, ठीक है, उनको इकट्ठे मतलब अलग अलग भिगो के, या चाहे इकट्ठे ही भिगो लो, भिगो के रख दो, फिर उठ के कर लो। ठीक है, तो बस ये देखो मेरा कितना बैटर गाढ़ा हो गया। बस अब इसके अलावा जो है, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, इसके अलावा मैंने अपने हस्बैंड को बोला था सांभर लिया, वो ले आए हैं, साथ में 2 चटनियाँ आ गई हैं, तो डोसा बनाऊँगी सांभर के साथ और चटनी के साथ खाएँगे हम। ठीक है, तो चलो शुरू कर देते हैं बनाना। इसमें मैंने अभी हरा धनिया डालना है मुझे, देखो इसका कलर हरा हो गया ना, अभी काट के हरा धनिया भी डाल दिए, तब भी चले गए वो। 2 ब्रेड लाए हैं, कहते हैं 1 ब्रेड से कुछ नहीं बनता, 1 ब्रेड ना भाई 2 दिन ही चलती है सिर्फ, और ये 2 ब्रेड ले आए ताकि 4-5 दिन निकल जाए, पनीर ख़त्म हो जाता है। अब आजकल एक कनिका भी आ रखी है, तो पनीर जो है ना हफ्ते में 2 बार आता है, ठीक है, क्योंकि सवेरे जो सैंडविच बनते हैं ना उसमें मैं डालती हूँ पनीर, और बच्चे उधर अपनी शिफ्टिंग कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, वो शिफ्टिंग में लगे हुए हैं, तो ये पनीर मैं संभाल लेती हूँ सारा। कहते हैं अब एक साथ 2 ही ब्रेड ले आया करूँगा, बार बार कौन जाएगा, 1 दिन 2 दिन में 1 ब्रेड ख़त्म। चलो इनको संभालती हूँ पहले सामान को। बहुत सूखा सूखा लकड़ी जैसा लग रहा है। तू है ही लकड़ी है, ये देखो लकड़ी है बेचारी, सबसे ज्यादा कम है कमजोर हमारे घर में कनिका, ये वीडियो डालने की बारी है। ठीक है, उसके पापा की ड्यूटी लगाई मैंने सांभर डालने की, एक बार मेरे से ना सांभर गिर गया था थोड़ा बहुत, तब से फिर मैं गर्म था एकदम बहुत ज्यादा, अब मैं डालते डालते उछल के थोड़ा सा बाहर गिर गया था, तो फिर मैंने ना नीचे प्लेट रखाई है, और इसके पापा की ड्यूटी लगाई है, डोंगा पूरा भर गया। चलो बढ़िया, अच्छी बात है, इधर बर्तन सारे धुले हुए, अभी खाएंगे पिएंगे फिर हो जाएंगे। अभी यहाँ पे पूड़ा बन रहा है मेरा, लो गैस कर देती हूँ, स्लो तेज अपने हिसाब से करते रहना, 3-4 कड़छियाँ डाल देखते हैं कैसा बनता है। एक बन गया है, ये है दोनों चटनियाँ, बीच में है सांभर, पूड़ा एक बन गया है, ये मैंने स्वाति को देने जा रही हूँ, और इधर एक और बन रहा है ये रहा। इसका बैटर थोड़ा पतला था, गाढ़ा था, तो मैंने पतला कर लिया है, और जब पतला किया तो वो ज़्यादा ही पतला हो गया। मैं देखूँ अगर ये टूट, ये ना 2-3 शुरू के मेरे से टूट गए, ये वाला आप सही बना है। ठीक है, बैटर जो है ना गाढ़ा था तो टूट रहा था, अभी इसको कच्चा है ये, है ना, तो अगर ये पतला हो जाता है तो भी दिक्कत है, मतलब सही होना चाहिए। ये देखो अब ये पक गया, बस मैं इसको पलट देती हूँ, पलट के ही मिलती हूँ आपसे। गैस स्लो धीरे मैं अपने हिसाब से करती रहती हूँ। ये देखिए ये हो जाएगा, पलटा जाएगा, थोड़ा कच्चा कच्चा लग रहा है, उठ नहीं रहा ना, कच्चा लग रहा है थोड़ा, ये देखिए
थोड़ा और पकने देते हैं, टूट जाएगा ये भी। ठीक है, तो बस कल स्वाति को देने जा रही हूँ। लास्ट ये देखिए सारा बटर ख़त्म, ये लास्ट बन रहा है। ठीक है, और ये मैंने कनका के लिए बनाया है, एक देख लीजिएगा। पर ये डोसे जैसा नहीं बना है, जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं बना, पर काम चला वो बन गया, सबने खा लिया। इसके पापा तो चक्कर लगा रहे हैं कि और मिल जाए। ठीक है, दो कनिका को दिए, दो स्वाति को दिए, दो इसके पापा को दिए, तीन मैंने खाए टूटे फूटे। ठीक है, पर ये सही बन गया, और ये वाला भी शायद सही बन जाए, और बाकी जो बच्चों को दिए वो सही बन गया। पर इतने अच्छे नहीं, बाजार जैसे नहीं बन पाए, पर काम चल गया हमारा, सांभर बनाया। अब मैं पता क्या कर रही हूँ, देखो चावल बना रही हूँ, इधर मेरे चावल बन रहे हैं, गैस चल रही है ना, हाँ चल रही है, हाँ तो ये चावल बन रहे हैं, सांभर बच गया, थोड़ी सब्जियाँ भी पड़ी हैं मेरे पास, दाल भी पड़ी हुई है, और आलू मटर की सब्जी भी पड़ी है, और सांभर भी है। तीन चीज़ों को मिला के हम बनाएंगे, रात का खाना खा लेंगे। तो मिलेंगे कल आपसे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ये अच्छा नहीं बना है, इसका बैटर मेरे से उतना अच्छा नहीं बन पाया जितना जो मतलब होना चाहिए।